महाराष्ट्र के खामगांव में गौसेवा मानव सेवा में सदैव अग्रसर रहने वाले एक निष्ठा जनसेवा फाउंडेशन खामगांव के सूरज यादव ने हजारों मरीजों को समय पर रक्तदान आर्थिक सहायता फाउंडेशन के पदाधिकारी एवं सदस्यों के माध्यम से देकर अनेक लोगों को दी है। वही नई संजीवनी इसके चलते रोहतक हरियाणा के विश्व रक्तदाता दिवस के उपलक्ष्य में रक्तदान सेवा सोसाइटी एवं वक्त दें रक्त दें परिवार के चतुर्थ स्थापना दिवस के अवसर पर ऑल इंडिया राष्ट्रीय सम्मान समारोह दिनांक 16 जून 2019 में श्री राधा कृष्णन सभागार एमडीयू के रोहतक में रखा गया। इसके चलते महाराष्ट्र के एक निष्ठा फाउंडेशन के संस्थापक सूरज यादव व बुलढाणा जिला उपाध्यक्ष जितेंद्र मच्छरे ने मानव सेवा रक्त सेवा साधु संतों के हाथों सम्मानित किया। इस समारोह में 250 संस्थाओं को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला तो सबसे पहले मंच पर विराजे अतिथियों के हाथों दीप प्रज्वलन किया गया। इस मौके पर सांसद शर्मा, कपिल पुरी, महाराज कर्णपुरी, डॉक्टर संजय जैन आदि लोग मौजूद रहे। डोनर नहीं, एकाध सिबलिंग होता है तो डोनर नहीं होता, तो पूरे इंडिया में लगभग 1.5 से 2 लाख स्टेम सेल डोनर्स कमिटेड है। बट आप कमिटमेंट सिर्फ तब कर लीजिएगा जब आपको सच में लगता है कि आप डोनेशन करना चाहते हैं, क्योंकि अगर आपके घर आप किसी को खाने पे बुलाते हैं और बाद में वो आप वहाँ पे खुद होंगे नहीं और वो आएगा, इट्स अ वेरी बिग सिन। तो मेरी एक सिंपल रिक्वेस्ट है, ये ब्लड डोनेशन से थोड़ा सा डिफरेंट है, ये सिर्फ कमिटमेंट की साइन है। ये कोई आपसे हम लेंगे नहीं, कुछ नहीं लेंगे, बकल स्वाब लेंगे और वो बकल स्वाब लेने के बाद आपका जो जेनेटिक डेटा है उसको हम अपने डेटाबेस में डालेंगे और हो सकता है आपको पूरी लाइफ हम कभी डिस्टर्ब ना करें, लेकिन हो सकता है 2-3 साल बाद हम डॉक्टर अरविंद को पूछें या डॉक्टर रीटू को बोले सर आप डोनर हैं और फला फला बच्चा है या फला फला एडल्ट है, इसको लिखी भी है, क्या आप डोनेट करेंगे? तो अगर मैंने इनको सीरियसली पहले पूछा नहीं होगा तो उस टाइम पे मेरे से एक सिन या एक पाप हो जाएगा। तो हम इसी जन्मभूमि पे यहीं पे कर्म में कई बार पाप कर लेते हैं और वन ऑफ द सिंस इज इफ ही मिस इन्फॉर्म द डोनर। तो बाकी डिटेल्स हमारी वेबसाइट पे है, इससे ज़्यादा मैं आपको कुछ आपका टाइम जाया नहीं करूँगा, आप इतनी दूर दूर से। किसी को कोई पूछना हो या रजिस्टर करना हो, बाहर हमारा स्टॉल लगा हुआ है। इसके आगे डॉक्टर रितु जी, और कहीं भी बतौर सांसद के कहीं भी सरकार से, हरियाणा सरकार से, केंद्र सरकार से कहीं आपकी कोई बात मुझे रखनी है, आप जो अगर उचित समझते हैं कि भाई इसमें हरियाणा सरकार का और इसमें केंद्र सरकार का योगदान हो सकता है तो मैं बिल्कुल आपके साथ हूं। आप मुझे जो चीज़ लिख करके देंगे आगे उसको बढ़ाएंगे, तो पार्लियामेंट में आपकी आवाज़ उठानी है। टीवी1 इंडिया न्यूज के लिए रवि अम्बुस्कर की रिपोर्ट, महाराष्ट्र।